खाला, आप रोज रात को शहजादी के लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती हैं और फिर सुबह वैसे का वैसे ही वापस लेकर चली जाती है, ऐसा क्यों? पिति, तू रोज शहजादी के कमरे के फूल बदलती है, हर जगह उनका पसंदीदा इत्र छिड़कती है, घंटों बैठकर उनसे ढेर सारी बातें करती है, ऐसा क्यों? पिति, हम दोनों खुद यहाँ नहीं आते, उम्मीद हमारी उंगली पकड़कर हमें यहाँ ले आती है, शहजादी के ठीक होने की उम्मीद, बगदाद के पहले जैसा होने की उम्मीद, पूरे वक्त के खत्म होने की उम्मीद। पिति, तुझे पता है, चिराग के बुझने से अंधेरा नहीं होता, उम्मीद के बुझने से होता है, और बगदाद की उम्मीद, बगदाद की उम्मीद अभी तक जिंदा है। खाला, इस वक्त शहजादी का ये हाल है और पूरे बगदाद में सब लोग अलादीन की रूह के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त में भी आपकी आंखों में ये उम्मीद कैसे? क्या आपको फर्क नहीं पड़ता? जिसके पास खोने के लिए कुछ बचा ही ना हो, उसे किसी भी बात से क्या फर्क पड़ेगा? मेरे बेटे को दुनिया ने जीते जी भी गलत समझा और आज भी गलत समझ रही है, पर मैं तो सच जानती हूं ना, इंसान खत्म होता है, उसकी अच्छाई और सच्चाई कभी खत्म नहीं होती, और सच्चाई यही है कि मेरा बेटा अलादीन एक नेक दिल इंसान था, और अगर वाकई उसकी रूह वापस आ गई है तो वो भी जरूर नेक दिल ही होगी। मेरी गुल्लू, कसम सोने की अशर्फियों की, चलो। हाय अल्लाह गुल्लू। हाँ। और कितनी दूर चलना है? मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। बस मेरी गुल्लू चलो। फटे हुए कपड़े, कारीगरों के औजार, ऐसा लगता है जैसे लोग डर के मारे अपना सामान छोड़कर भागे हैं। चप्पलें, जूते, इतने सारे चप्पलें, जूते हैं। ओह, मेरी जिंदगी बढ़ गई, मेरी किस्मत बढ़ गई, सब ले लूंगा, सब ले लूंगा। कसम सोने की अशर्फियों की, जैसे बिल्ली को ख्वाब में सिर्फ चीथड़े नजर आते हैं ना, वैसे चप्पल चोर को सिर्फ चप्पलें नजर आती हैं, लेकिन नाज़नीन को नजर आ रहा है सिर्फ और सिर्फ सोन मीनार। बस सोन मीनार। मैं चप्पल चोर ही सही, लेकिन तुम्हारी तरह अंधा तो नहीं हूँ। ये फैला हुआ सामान देखकर तुम्हें नहीं लगता यहाँ कुछ बुरा हुआ है? मेरी मानो, चुपचाप ये चप्पल जूते समेटो और घर वापस चलो। शकल तुम्हारे फटे जूते जैसी और दिमाग गई है घास चरने। मैं जा रही हूँ सोन मीनार, चल चुपचाप। ऐसे मनाएंगे अपनी सालगिरह? मेरी गुल्लू, तुम्हें पता है सोन मीनार इतनी बड़ी है कि एक बार हम उसके अंदर चले गए तो ये जोड़ा हमें ढूंढ नहीं पाएगा, फिर बस गुल्लू होगा और उसकी प्यारी गुल्लू। ठीक है, चले।
ये क्या गायब हो गया? अरे चलो ढूंढते हैं ना, अम्मी अब्बू हैं हमारे, चलो चलो। अम्मी मैंने तो आज तक ऐसे अजीब लोग नहीं देखे। इन्हें डराने में खूब मजा आएगा। तो फिर इंतजार किस बात का, चलो टोनी। खाला, मुझे बाकी लोगों के बातों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे मेरे खाला पर पूरा यकीन है, क्योंकि एक माँ का दिल सब कुछ जानता है। खाला, चलिए हम दोनों मिलकर अलादीन और शहजादी के लिए दुआ करते हैं। सोने के शर्फियों की मिया, पड़ोसियों के कच्चे चुराने हो, बाजार में से सड़े टमाटर चुराने हो, ये सड़ी चप्पलें चुराने हो, तो हाथ बड़ी तेजी से चलते हैं। अब क्या फाइश मार गई इन हाथों में? जल्दी बटोरो, सारा सोना चाहिए मुझे, समझे? चले गल्लो। अब्बू, अगर यहाँ सोना चुराए रहे हो तो यहाँ हमारी कब्र भी खोद लीजिए। खोदूंगा। अगर यहाँ से जरा सा भी सोना चोरी हुआ ना, तो वजीर आला हमें नहीं छोड़ेंगे। खोदते खोदते खोदो। गुल्लू मेरे बच्चे, नादानी की बातें मत कर, सोच। अगर समंदर में से एक बाल्टी पानी निकाल भी लिया जाए तो समंदर को कहाँ पता चलेगा? बाहर इतना सोना है तो सोचो अंदर कितना सोना होगा। गुले गुलफाम, ये सड़ी हुई सालगिरह गई फाड़ में। मैं जितना सोना इकट्ठा कर सकती हूँ कर ही लूंगी आज, और इस बुढ़े बुढ़िया के हाथ में कुछ भी नहीं लगने दूंगी। अब्बू, आप अपने इन सीख सलाहियों को जरा आराम दीजिए। और अम्मी, आपको क्या हो गया? अब्बू के साथ रह रह के क्या आपके दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया है? गुल्लू, 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 मेरी गुल्लू, गुल्लू, मेरी गुल्लू। मिया देखा, बहू कैसे सोन मीनार के अंदर घुस गई। कसम सोने की अशरफियों की, ये लालची औरत जरूर सोना लेने गई है, तो नाजनी पीछे कैसे रह सकती है? चल चल, चल। ए, रुको रुको रुको, चलो मैं कहती हूँ। हाय अल्लाह, इतना सारा सोना। कसम सोने की अशरफियों की, सोना 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 सोना। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। कहाँ हो? अंधेरा। गुल्लू, 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 छोड़ो तुम। आका के खेल में ये लालची बने मोहरा, फैल जाए चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। क्या हो रहा है? दोनों कहाँ चले गए? अम्मी,
अरे उन्हें छोड़ो, पहले अपने आप अंधेरा हो गया, फिर अचानक से ये कोहरा। बेगम तुम मेरे पास हो ना। अम्मी गुल्लू, मेरी चांदी की बर्फी, मेरा बच्चा, मेरी चांद की बर्फी। अम्मी 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 देखो अम्मू की हवा निकल रही है, चलिए हम यहाँ से चलते हैं। हम सोना चुरा के फिर चलते हैं, हैं? नहीं अम्मी, अम्मी सोना बाद में, अभी बहुत डर लग रहा है, चलते हैं ना यहाँ से, डर लग रहा है, चलो। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। मुसीबत के वक्त में अम्मी बेटी नहीं है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भली मेरी गुल्लू, कहाँ हो तुम? गुल्लू मेरी गुल्लू, हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से बाहर निकलने का कोई नया रास्ता ढूंढते हैं। अम्मी। हाँ मेरे बच्चे। अम्मू। हाँ हाँ गुल्लू, कहाँ है, कहाँ तू? हम चारों एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं ताकि अंधेरे में कोई अलग ना हो। मैंने अपनी गुल्लू का हाथ थाम लिया है। और मैंने अब्बा हुजूर और रुस्तम ए बगदाद ने अपनी मोहब्बत के आसमान के सांड का, नहीं 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 मेरा मतलब चांद का। और मैंने मैं गुल्लू गुल्लू चमगादड़ नाज़नीन तो पांचवा, मैंने किसका हाथ पकड़ा? ऐसा 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 मजाक हमारे साथ मत किया करो। अच्छा बताओ हमें, तुमने खुद शहजादी का हाथ हिलते हुए देखा? जी अपनी आंखों से। जी वजीर आला, मुझे तो लगता है कि शहजादी को बहुत जल्द होश। सिर्फ हमें हमारे अंदर जो खुशियों का भाव है, जो दरिया की तरह बहना चाहता है, लेकिन बहरहाल आप हमें बताएं शहजादी की हालत में, और अगर कोई बदलाव आए या उनकी हालत बेहतर हो तो तुम हमें आके बताना। आप हाँ सिर्फ हमें। जी आप जाएं। जी शहजादी को होश आने वाला है, ये कैसे हो सकता है? कहने को वो रात का जिन दुनिया का सबसे ताकतवर जिन है, तो उसका जादू नाकामयाब कैसे हो गया? इस वक्त रात के जिन का यहां पर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शहजादी होश में आएंगी। लेकिन हमने खुद उस चिराग के जिन को वहां सोन मीनार पर भेज दिया। उल्लू गुल्लू और उसके घर वाले, इनका दिमाग, इनकी चाल दोनों ही सुस्त है। पता नहीं कहां रह गए। सोन मीनार के सामने इतना सन्नाटा है और अंदर इतना घुप अंधेरा, कि मैं अपने आका के हुक्म की तामील करूंगा, उस अलादीन के भूत को खत्म कर दूंगा। लेकिन वो तो तब होगा ना जब उल्लू गुल्लू अपने परिवार के साथ यहां आएगा। तब क्या करूं?
छुप के इंतजार करता हूँ। यहाँ एक हाथ था, वो अंधेरे में चमक रहा था। पहले मैंने उसकी कलाई हाथ का हाथ पकड़ा। पर ऐसा कैसे हो सकता है? गुल्लू, उसने गुड्डू देखी हंसी। अरे चुप रहो आप दोनों। चलो गुल्लू यहाँ से, अब हुजूर आप चल रहे कि नहीं? चलो चलो। पर मेरी गुल्लू अम्मी, मैंने कहा चलो। चलो कुछ दिख नहीं रहा है। रुको रुको, मैं भी आ रही। मुझसे दामन बचा के कहाँ जाओगे? कसम सोने की अशर्फ की, मैं जानती हूँ ये किसके करतूत है। ये मैं भोली में भोली बनके मीठी गोली खाने वाली गुली गुलफाम, आज इसकी सच्चाई का पर्दाफाश न कर दिया तो मेरा नाम नाज़नी नहीं। सोन मीनार के इन प्यासों के लिए खास पानी तैयार है ना? जी आका। एक बार पानी गिर गया उसके बाद नाटक की आखिरी और सबसे जरूरी बागडोर मैं संभालूंगा। पीछे से तुम तीनों अपना काम करते रहना। ठीक है आका। तैयार आका। और उसके घर वाले अभी तक नहीं आए, ना ही वो अलादीन का भूत। कहीं अलादीन के भूत की बात ऐसी अफवाह तो नहीं? या अल्लाह, काश अफवाह ही हो। और अगर ये सच है तो भाई मेरे भाई की रूह सोन मीनार में ना आए। हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि गंदगी सिर्फ धुलाई से ही दूर होती है, इसलिए आज इस कुल्लू और उसके घर वालों की दिमाग और दिल की धुलाई कर ही देते हैं। सही कह रहे हो चचा। सबका पी लो खून, आलू से बरसे तूत, मुझको छोड़ दो बस, भाई मेरे भाई अलादीन के भूत। सोने की अशर्फियों की मजा आ गया। बहुत हंसी आ रही है चाची। नहीं।
बने। कौन? कौन? ये कौन है? ये आवाज किसकी है? अबे, अरे, होगा, अरे। अलादीन, नाम तो सुना होगा। नाम तो सुना। भाई मेरा भाई अलादीन, ये सचमुच तुम ही हो ना भाई? भाई वो होता है जो एक दूसरे के लिए जान दे देता है, एक दूसरे की जान नहीं लेता कुलपतन। मेरे कमरे में तलवार छुपा के मुझे फंसाने वाले तुम ही थे ना गुल्लू? तुम नहीं हो, तुम वहम हो, भूत भूत कुछ नहीं होता, ये आंखों का धोखा है। पीछे पीछे तो देखो। तो इनके होश उड़ा दीजिए। वहम झूठ होता है पर मैं सच हूं। मैं अलादीन की रूह हूं और रूह को हर बात पता होती है। जैसे मैं जानता हूं कि चाचा बर्तन खुद से नहीं धोते, पड़ोसी की बिल्ली से चटवाते हैं। चाचा से चाची एक सोने का संदूक छुपाकर अपनी अम्मी के घर रखा है। और गुले गुलफाम के अब्बू रईस आदमी ना बड़ा हो गया है, लेकिन आज भी सोने से पहले ज्यादा पानी पी लेता है तो बिस्तर की लाकर। बस भाई मेरे भाई अलादीन की रूह, बस हमें पता लग गया कि तुम वहम नहीं हो, तुम भाई मेरे भाई अलादीन की रूह हो। मैं यहां तुम लोगों को यकीन दिलाने नहीं, पुराना हिसाब बराबर करने आया हूँ, सजा देने आया हूँ। मेरी तबाही में तुम लोगों ने उस कमीने सफर का साथ दिया था, उसके साथ मिले हुए थे।
सिर्फ मुझे माफ कर दो। गुनाह तो तुम सब ने किया है चाचा, इसलिए सजा भी सबको मिलेगी। और मैंने तुम लोगों की सजा सोच ली। मौत! अलादीन मेरे बच्चे, इसको वजीर आला से हाथ मिलाने का शौक चढ़ा था। कसम सोने की अशर्फियों की, अलादीन किसकी बात कर रहे हो? कौन वजीर आला? वो जफर? वो तो लुच्चा है, चोर है, मक्कार है। धमकी दी कि अगर हम उसका साथ नहीं देंगे तो वो हमें सूली पे चढ़ा देगा। ऐसे में तेरी ये मासूम चाची क्या करती अलादीन? तुम लोगों से बड़ा आस्तीन का सांप इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे अप्पू के करतार होने की झूठी अफवाह फैलाई। एहसान किया हमने तुझे और तेरे उस बेटे को यहाँ पनाह देकर। भगोड़े बाप का चोर बेटा, क्या ये सच नहीं कि तेरा शौहर गद्दार था? देखो बेशरम, कैसे सर उठा के खड़ी हुई है, तुझ पे तो लानत है। तेरी लाचार अम्मी को सताया, उनका फायदा उठाया। कसम सोने की अशर्फियों की, अब निकल यहाँ से। रुखसार को भी मेरे लिए बहुत काम करने हैं। आंगन धोना है, सब्जियां काटनी है, रोटियां सेकनी है। और मुझे एक बिना बाप के मासूम बच्चे को काला चोर बनने में मजबूर कर दिया। अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो हम तेरी अम्मी को बता देंगे कि जिस काले चोर से वो इतनी जी जान से नफरत करती है वो काला चोर कोई और नहीं, उसका अपना लाडला बेटा है। और फिर उस बच्चे को अपने लालच और मक्कारी के जाल फंसा दिया। काला चोर, इसीलिए उसको फंसवाने में हमने आपकी मदद करी थी। और मुझे दीवार में जिंदा चुनवा दिया। गुलू, फिर भी तुम लोगों को शर्म नहीं आई मेरे बाद मेरे अम्मी को सहारा देने की बजाय उन्हें सताया और आज तक सता रहे हो। हमारे घर में आग जफर ने लगाई तो तेल तुम लोगों ने डाला है। उसके बाद भी अपना गुनाह कबूल करने की जगह मुझसे झूठ बोल रहे हो? नहीं, ये दुनिया का उसूल है, हर इंसान अपने किए का फल भुगत कर जाता है। अब मैं ना जफर को छोड़ूंगा ना तुम लोगों को। घंटे पूरे होने में सिर्फ एक घंटा बाकी है। अगर एक घंटे के अंदर मैं पानी में नहीं गई तो मैं हमेशा के लिए मछली बन जाऊंगी। या अल्लाह, रेगिस्तान के बीचों बीच हम पानी कैसे लाएंगे? जिन्मिनी संभाल के। सोन मीनार के बाहर तो कोई नहीं, एक बार अंदर देखता हूं। यहाँ कैसे आ गया? आगा को कैसे भी आगाह करना होगा। हाँ,
लगता है आका को खतरे का बड़ा इशारा देना ही पड़ेगा। इससे पहले चीनू कर दे कोई बवाल, बना दे लाल रोशनी वाला मशाल। टोली बड़ा इशारा कर रही है, यानी खतरा बड़ा है, यहां से निकलना होगा। अम्मी हमेशा कहती थी कि दुश्मन को माफ कर देना खुदा की इबादत होती है, इसलिए मैं तुम लोगों को माफ कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पे। हमें हमें तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। आज के बाद से हर लम्हा हर घड़ी मेरी नजर तुम लोगों पे है। अगर भूले से भी मेरी अम्मी के साथ बदतमीजी या होशियारी करने की कोशिश की तो सोच लेना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। रुक साहब, मेरी बहन है। बहन बहन से भी बढ़कर है। बलबदर, एक बात और, अपने वजीर आला को जाकर कह दो कि अलादीन की रूह आ गई है और उनका वक्त खत्म होने वाला है। अगर सच में अलादीन का भूत इस सोन मीनार में है तो आज मैं उसे खत्म कर दूंगा। आपके आते ही कोराहट गया। बेटे की तुम, ये जिनू यहां क्या कर रहा है? जी, जुनैद जी बचाइए हमें, बचाइए, बचाइए, बचाइए। कौन जुनैद? आप जुनैद। अरे इन्हों के लिए तो मैं जुनैद हूं, इनके आगे कैसे जादू कर सकता हूँ? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए आप लोग जाइए, मैं देखता हूँ। भाई लगता है तो कभी कभी अलादीन का भूत भाई लगता है। नहीं, अगर मेरा कोई भाई है तो वो है मेरे आका, लेकिन मैं अलादीन के भूत को देख के इतना जज्बाती क्यों रहा हूं? वहां पहुंचेगा अलादीन का भूत और यहां से उन्हें बचाने नहीं। नहीं। मेरे जज्बात गए चमेली का तेल लेने। मैं सिर्फ अपने आका के हुक्म की तामील करूंगा और इस अलादीन के भूत को खत्म कर दूंगा। भाई नहीं, कसाई हूं। की तरह टूटना है, कपड़े की तरह निचोड़ना है। आका ने कहा है अलादीन के भूत को नहीं छोड़ना है। जा।
बार देख तुमने क्या किया। अब मुझे और गुस्सा आ रहा है। जिनू, जिनू मेरे भाई, गुस्सा बाद में कर लेना। इतने दिनों बाद अलादीन और जिनू आमने सामने आए, गले नहीं लगोगे? जिनू के सामने नहीं आ सकते, पर आका को अकेला भी नहीं छोड़ सकते हैं। जिनू बहुत गुस्से में, पता नहीं क्या कर बैठे। पर जिनी मिनी की हालत भी तो देखो, अगर फौरन इसके लिए पानी नहीं लाए तो बहुत देर हो जाएगी। यहां तो कहीं पानी भी नहीं दिख रहा है, पानी कहां से लाऊं? जिनी मिनी, इतनी मुश्किलों से तो तुम हमें वापस मिली थी, फिर छोड़ के मत जाओ। हम और झुमरू सब ठीक कर लेंगे, हिम्मत रखो। जिनू को अलादीन का भूत खत्म करने के लिए यहाँ पे जफर ने भेजा होगा। बेटे की धूम बुलबुल चाचा का इजाद भी खत्म हो रहा है। अगर जिनू ने मुझे ऐसे देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। मुझे कैसे भी करके जिनू से पीछे छुड़वाना होगा। वक्त नहीं है कालीन, जल्दी। जिंदा भी बदनसीब था और मर के भी बदनसीब। पहले तू आका के लिए दिक्कत था, अब मेरे लिए। मैं तुझे खत्म कर दूंगा। रंग रचना नहीं चाहिए। जाओ तूफान जाके देखो, अलादीन का भूत बचना नहीं चाहिए। We'll be right back.
रफ्तार बढ़ाओ कालीन। जादू ने अपना जादू दिखा दिया, दुश्मन चाल में फंस गया। अब कैसे बचेगा अलादीन का भूत मुझसे? मेरे जादू ने अपना जादू दिखा दिया, दुश्मन चाल में फंस गया। अब कैसे बचेगा अलादीन का भूत मुझसे? दिन के भूत से निकलती वो नीली रोशनी अचानक से कहां गायब हो गई? मुझे किसी भी कीमत पे इस अलादीन के भूत को ढूंढना है। चाचा, जिनी मिनी को मदद की जरूरत है और शायद आका को भी। तुम आका के पास जाओ, मैं जिनी मिनी के लिए पानी ढूंढ के लाता हूं। जाओ छोटे जिन। जिनी मिनी, हिम्मत मत हारना जिनी मिनी, मैं अभी पानी लेकर आता हूं। हाँ, अभी आया, अभी। आका, आका, आका। जीनू, अगर इस तरबूजे ने आका को इस हाल में देख लिया तो सारा खेल यहीं खत्म हो जाएगा। मुझे इस तरबूजे का ध्यान भटकाना होगा। इससे पहले जीनू कर दे कोई धमाका, बना दे हमें पटाखा। We'll be right back.
शुक्र है कारीगरों के सामान में थोड़ा पानी मिल गया। नीली रोशनी मतलब अलादीन का भूत उधर है। चाहे कुछ भी कर लो, दुनिया के सबसे ताकतवर जिन से बचना नामुमकिन है। जिनी मिनी, जिनी मिनी, तुम्हें होश आ गया, मुझे सुकून आ गया, कैसा लग रहा है? मेरी छोड़ो, आका, आका और चाचा कहाँ हैं? शायद किसी मुसीबत में होंगे, हमें उनके पास चलना चाहिए, चलो। आका, आका उठिए। चाचा तुम ठीक तो हो? और तुम्हारे सर से धुआं कैसे निकल रहा है? चाचा मुझसे जलोगे तो इसी तरह अंगीठी जैसे दिखोगे। हमें लगने लगाने का भी 1500 साल का तजुर्बा है झुमरू, कहो तो एक तुम्हें भी लगाएं। ओफो, फिर से लड़ाई। आका ने जो सवाल पूछा उसका जवाब तो दो। आका हम बिल्कुल ठीक हैं, हमने जीनू को अपने जादू में फंसा के आपको बचा लिया। चाचा आका तो बच गए, लेकिन आका को बचाने के चक्कर में तुम्हारे हाल बाल और चाल तीनों खस्ता हो गए। अंगूठी छाप तोली, जीनू के आने से पहले हमें फौरन महल निकलना होगा। बेटे की दुम बाल झड़ना, मियाँ बीवी का लड़ना, एक उम्र के बाद बच्चे का गोद में बैठना सब रुक जाता है, लेकिन मुसीबतों का नारियल सर पे पड़ना नहीं रुकता। टोली चलो काली निकालते हैं। कि वो अलादीन का ही भूत था। यकीन? पूरा यकीन है वजीरे आला। वो बातों से, लातों से, दांतों से, हर तरह से भाई मेरे भाई अलादीन का भूत ही था। क्या बकवास कर रहा हूँ? बकवास नहीं कर रहा हूँ मैं वजीरे आला, सच कह रहा हूँ। वजीरे आला, उसे सबके सब राज पता है, उसे ये भी पता है कि मेरे अब्बू चप्पल चोर हैं।
उसे ये तक पता है हुजूर कि मेरी बीवी के अब्बू कोई रहीस आदमी नहीं है। और उसे ये भी पता वजीरे आला कि जिस रात में सोने से पहले ज्यादा पानी पी लूं उस रात में बीच। खैर छोड़िए ये सब। हुजूर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, भाई मेरे भाई अलादीन के भूत ने ये कहा था कि उसकी बर्बादी में मेरे अम्मी अब्बू का हाथ भी था, उसने ऐसा क्यों कहा? और वजीर आला वो आपके किसी राज की बात भी कर रहा था। आपका क्या राज है मुझे बताइए। हमारा राज तो बहुत दूर की बात है, हम तो मैं अपने जूते का नाप तक ना बताएं। सोन मीनार पे जो कुछ भी हुआ उसकी खबर तुमने हमें दे दी, किसी और को बताया तो अच्छा नहीं होगा, समझ गए? भूत हमसे बदला लेने के लिए वापस आ गया है, अब हम सब क्या करेंगे? सोचो सोचो। घबरा मत नन्हे बकरे, मेरा मतलब है नन्हे बच्चे। जब वो भूत मेरे सामने आया तो मैंने क्या किया? मैं घबराया नहीं, बहादुरी से उसका सामना किया। बहादुरी? पर आप तो आलू और सड़े टमाटरों से पिट के आ गए। बहुत अच्छे सड़े। क्या कहा बकरी के बच्चे? मेरे ये टमाटर ये सब तो मजाक मजाक। असल में जब वो भूत मेरे सामने आया तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, घबराने लगा, मेरे पैरों में गिर गया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। लेकिन मैं जाबाज बहादुर ताकतवर रुस्तम ए बगदाद हूं। मजाक। हंसने की बात नहीं है। जिस तरह हमारी दुनिया में इंसान होते हैं उसी तरह दूसरी दुनिया में रूहें होती हैं, और उनमें से एक रूह हमारे बीच में आ चुकी है। हमारे बीच अब हम में से कोई नहीं बचेगा। बेगम, मेरे बताने ना बताने से किसी को फर्क पड़ता ही नहीं, अब वाकई कोई बचने नहीं वाला, क्योंकि पूरा बगदाद पहले से ही भाई मेरे भाई अलादीन के भूत की बातें कर रहा है। हरने दो। करने दो हुँ? लेकिन देखो, अगर इस बात को इस खबर को तुम तुम्हारे घर वाले हवा नहीं देंगे तो ये बात ये खबर खुद ब खुद दफन हो जाएगी। चाओ मतलब आदाब। क्यों इस चराग के जिन ने हमारे हुक्म की तामील नहीं की? क्यों उसने उस अलादीन के भूत को सोन मीनार में दफन नहीं किया? जीनू तो बिरयानी की डेक की तरह मुझे खत्म करने के पीछे ही पड़ गया था। वो तो कहो तुम चारों मेरे साथ थे। चारों? तुम तीनों और किस्मत। लेकिन किस्मत हर बार हमारा साथ नहीं देगी। इसका मतलब भूत भूत खत्म? ये बाजी हमारी जीत के साथ खत्म होगी, और अभी हम जीते नहीं। तो आका हम जीनू का सामना कैसे करेंगे? हम दो हिस्सों में बटेंगे, हम में से दो जीनू को संभालेगा और दो खेल आगे बढ़ाएगा। मेरा साथी कौन बनेगा?
देखते हैं अंगूठी छाप। जरूरत पड़ने पर हमें किसी भी वक्त अपना खेल बदलना होगा, तो तैयार रहना। इसलिए एक दूसरे की मदद करो, होशियार रहो और सब पे नजर रखो। लेकिन फिलहाल के लिए सो जाओ, कल बहुत कुछ करना है। किस्मत साथ दे या ना दे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम तीनों मेरा साथ हमेशा दोगे। जफर के चेहरे का नकाब बहुत जल्द पूरे वक्त आपके सामने उतरेगा। कल रात शहजादी बेहतर हो रही थी, फिर आज सब वैसी का वैसी। क्या वैसी? क्या कहा तुमने अभी? सब वैसी का वैसी। मतलब इससे पहले क्या कहा? रात रात में क्या? अच्छा तो ये पूछिए ना, कल रात को शहजादी ने अपना हाथ हिलाया था। क्या? मैंने देखा, रुखसार खाना ने भी। या अल्लाह, इतने अरसे बाद इतनी अच्छी खबर सुनी, मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। है ना, मैं भी बहुत खुश हूँ। आपको पता है मैंने वजीर आला को खबर दी थी, वो तो इतना खुश हो गए, इतना खुश हो गए, वो खुशी के मारे बिल्कुल आपके जैसे उछलने लग गए थे। मैं कब उछला? देखो खबर अच्छी है, लेकिन वक्त से पहले इतना खुश मत हो। शहजादी ने सिर्फ एक हाथ हिलाया है, जिस दिन पूरी हिलेंगी ना। क्या? मेरे की जिस दिन पूरी ठीक हो जाएगी तब देखेंगे। मुझे बहुत काम है, मैं जा रहा हूँ। अजीब इंसान है, एक ही पल में हमदर्द और एक ही पल में सरदर्द। ये इंसान ना मेरे समझ के बाहर है। अल्लाह, जितनी जल्द ही तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपको ये बात किसी और से पता चले, मैं ही आपको बता देता हूं। मैंने भाई मेरे भाई अलादीन की रूह को देखा। अलादीन की रूह कैसे? चाची जान, मैंने ही नहीं, अम्मी, अब्बू, मेरी गुल्लू ने भी देखा। चाची जान, वो बहुत गुस्से में है और मुझे नहीं लगता कि उसे रोक पाना मुमकिन होगा। चाची जान, मैं जानती हूं तुझे जिस जुर्म की सजा मिली
तूने नहीं किया था। मैं जानती हूँ तू दर्द में, मैं ये नहीं जानती जो तू कर रहा है उससे तेरा दर्द कम नहीं होगा, मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। दूसरों को परेशानी देने से ये परेशानी कम नहीं होगी। वापस चला जा मेरे बच्चे, चला दे। बस कीजिए, मत रोइए, बस। अलादीन की रूप बदला लेने आई है वजीरे आला, वो खून की प्यासी है। हमने उसके साथ किया है, अब वो वही हमारे साथ करेगा। शायद ये कमजोर सच ही कह रहे हैं। वैसे हम पूरी कायनात के होने वाले बादशाह हैं, हम जो कह दें वही सच होता है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? बगदाद के इस दरबार में गलत फैसला हुआ, हमसे गलती हुई, या आप सबकी चहेती शहजादी ने एक मासूम को सजा सुनाकर गलती कर दी? तो ऐसा नहीं किया तो फिर आप किस बलबूते पर यह इल्जाम लगा रहे हैं कि वो भूत किसी का बदला लेने आया है? वो लड़का हमारे मरहूम बादशाह सलामत, हमारी शहजादी और हमारे बगदाद की खुशियों का कातिल है। वो कातिल था और कातिल है। उस वक्त जब वो जिंदा था हम खाक उससे डरे, तो अब उसके भूत से हम क्यों डरे? क्या कहते हो, हम क्यों डरे? इत्मीनान रखिए, आपके वजीर आला आपके साथ हैं, जाइए। वाह वाह वजीर आला, बहादुर हो तो आप जैसा हो, नहीं तो ना। लेकिन एक बात बताइए, आप अलादीन के भूत का सामना कैसे करेंगे? बहादुर हो तो आप जैसा हो, नहीं तो ना हो। लेकिन एक बात बताइए, आप अलादीन के भूत का सामना कैसे करेंगे? भूत नहीं अली साहब, चूहा कहिए, चूहा। चूहा? क्या खूब का है, आप चूहा और वो आपका जिन। मोटा हाथी आप दिया तो वो आपकी मोटी बाती, आप बुढ़े नाना तो वो आपका प्यारा नाती। क्या बात है वाह वाह। अली साहब, चूहा वो अलादीन का भूत है, हम नहीं। अब हम उस चूहे को अपने बिल से निकाल कर खुद पकड़ेंगे। वो दो रातों से सोन मीनार जा रहा है, अब हम वहां जाएंगे और उसे अपने हाथों से फिर उसे एक बार फिर उसे क्या वजीर आला, पूरी बात कहिए ना। आ? बात करने का वक्त खत्म हो चुका, अब काम होगा। और ये बात आप मुझसे राज रखेंगे?
वजीर आला, ना एक झगड़ा हुआ, ना दिक्कतें दो तीन आई, अली जफर के बीच में रूहे अलादीन आई। अली साहब, हम आपकी इन्हीं अदाओं पे तो कायल हैं। आप रूट से हैं तो बड़े ही अलग अंदाज में। खैर सुनिए, हम सोन मीनार जाएंगे, वो इसलिए क्योंकि मछली को फंसाने के लिए जाल का होना बहुत जरूरी होता है। हमारे पीछे पीछे वो भी आ जाएगा। अब कल हमारे इस चिराग किजन से तो वो बच गया, लेकिन आज वो नहीं बचेगा। वाह वजीर आला, बदला लेने का अंदाज भी आपका बिल्कुल अलग है। जाइए, उम्मीद करता हूं कि आप अपने काम में कामयाब हो। अली साहब, आप उम्मीद नहीं, यकीन रखिए हम पर, क्योंकि आप हमारे दोस्त हैं। आप हमारे साथ चलेंगे। इस बात का मुआयना करने के लिए, सोन मीनार को मुकम्मल करने के लिए, और कितना सोना हमें आपसे चाहिए और आपको हमें कितना सोना देना होगा। चलेंगे ना? बेशक। माशाल्लाह, हम जरा इस्तिंजा करके आते हैं। कहानी ने ये कौन सा नया मोड़ ले लिया? दो जिस्म एक जान तो सुना था, पर अली और अलादीन तो एक जिस्म और एक जान है। दोनों एक साथ सोन मीनार कैसे पहुंचेंगे? क्या पर आका, ये सब आप ऐसे? अरे पर क्या क्या सब, ये सब क्या कर रहे हो? कोई तो पूरी बात बोलो। आका, एक ही जगह पर अली और अलादीन का भूत कैसे आ सकते हैं? आका, हमारे पास ताकतें हैं पर बहुत कम। हम तीनों की ताकतें मिलाकर भी हम जीनू का सामना कैसे करेंगे? और इस वक्त वो जंगली भालू, मेरा मतलब आपका प्यारा जीनू बहुत गुस्से में होगा। हमें हर कदम संभल के उठाना पड़ेगा, वरना इतना डर, इतने सवाल, और उससे भी ज्यादा अपने आका की काबिलियत पर शक। न डर, न सवाल, न शक, सिर्फ आपकी फिक्र है आका। जानता हूं, और मैंने पहले से सब कुछ सोच लिया। जफर के साथ अली सोन मीनार जाएगा, और अलादीन का भूत भी। सोन मीनार में तो फिर रुको। कहाँ जा रही हो? बावर्ची खाने में। बावर्ची खाने? अरे रुखसार बहन, जब देखो तब बावर्ची खाने, बावर्ची खाने। कितना काम करोगी? तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। यहाँ बैठो। बैठ जाओ मेरी बहन। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कितनी मेहनत मशक्कत करती हो, किस लिए? अरे हम सब है ना, जब देखो का ये देखो। रुखसार बहन, तुमने हमारी जिंदगी में मिठास घोल दी है। ये जलेबियाँ, ये सिवैयाँ, ये हलवा, सब तुम्हारे लिए। खाओ खाओ। हाय अल्लाह, ये सर का दर्द आज मेरी जान ले लेगा। हाय अल्लाह। चाची जान, आप यहाँ जाके मेरे लिए कहवा बना लाइए। चाची, ये सर दर्द तो मेरी जान ले लेगा, मेरे लिए कहवा बना के लाइए। कभी अपने हाथ पैर भी हिलाइए। वो बहू की तबीयत ठीक नहीं है, मैं कहवा ले आती हूँ। चुपचाप यहीं बैठो। जी बैठो। रुखसार बहन, इस बिना आलू के समोसे का मतलब है तुम आराम करो। तुम्हें कहवा बनाने की क्या जरूरत है, तुम्हें आराम की जरूरत है ना? और तुम उठो, रुखसार को आराम की सख्त जरूरत है। पर इन्हें आराम की जरूरत नहीं, आराम की जरूरत मुझे। अगर मुझे कहवा नहीं मिला ना, तो
अरे तो मैं क्या कर लूंगी? तो तुम कुछ नहीं कर सकती, लेकिन लेकिन अलादीन की रूह को वो नहीं मिला जो वो चाहती है, तो वो हम में से एक के जिस्म पे कब्जा कर लेगी और बाकी सबका कत्ल कर देगी, समझी? पर उतर दूंगी तुम्हारे, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि तेरा बाप एक कबाड़िया है। और तू भोली नहीं बल्कि अव्वल दर्जे की झूठी है, समझी? इसलिए अलादीन की रूह को खुश करने में तू हमारी मदद करेगी। रुखसार बहन, देखो क्या कह रही है बहू। चाची जान, वो मैं सबके लिए कहवा बनाकर ला रही थी, तो पूछना चाहती थी आप पिएंगी ना? प्लीज साहब, सोन मीनार का मुआयना तो बाहर से कर लिया आपने, जरा अंदर चल के भी तो देखें कि इसे मुकम्मल करने के लिए और कितना सोना लगेगा। वजीर आला, मुझे लगा कि आप यहाँ खतरनाक मजेदार खेल खेलने आए, भूत पकड़ने आए, लेकिन आप तो सोन मीनार में अंदर जाके काम की बातों में उलझे हुए। अली साहब, ये हमारी जिंदगी की उलझन नहीं बल्कि हमारी जिंदगी का मकसद है। भूत अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर लेते हैं। बेहतरीन, आइए। मैं खेल को सोन मीनार में आगे बढ़ाऊंगा और टोली वहां शहर में। या अल्लाह हमारी मदद करना। अलादीन के भूत के बच्चे, तू रोएगा, तड़पेगा, डर के भागेगा, लेकिन मैं तुझे भागने नहीं दूंगा। दम है तो यहां आके दिखा। रुखसार का काम कर करके एक तो मेरी कमर टूट रही है। तुम्हें जलेबियां खानी है? बस एक ही दिन में तुम्हारी कमर टूट गई? मेरा सोचो, वर्षों से तुम्हें पाल पाल के मैं पूरा का पूरा टूट चुका हूँ। ये चक्कर जैसी जबान बंद रखो, समझे? क्यों फिर दोस्त चाचा, क्यों फिर दोस्त चाचा? ने पीतल मिलाना बंद किया या नहीं? ये आवाज तो इस मकबरे से आ रही है। यानी अलादीन का भूत यहां पर आ गया है। सारी उम्र तुमने मासूमों को टोपी पहनाई, आज टोपी पहनने की बारी तुम्हारी। बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ टोपी से। आका, आप सबकी पोल खोलते रहिए। अशफाक मियां, अपने भाई की जमीन हड़प के खुश हो? मुस्तफा चाचा, बच्चे। नाजनीन चाची की किस्मत देखो, सारी उम्र लोगों को कीमती कह के कबाड़ बेचती रही, अब जब बेटे के निकाह की बारी आई तो संधि भी कबाड़ी निकले।
तुम सब के बीच अपने दिलों में झूठ, कमीनापन और राज छुपाए और भी कई कमीने मक्कार छुपे हुए हैं जो मासूमों को लूटते हैं, जिन्हें सजा मिलनी चाहिए। मैं उन सब का सच तुम्हें बता सकता हूँ, पर सच पर सिर्फ सच्चाई का हक होता है, तुम जैसों का नहीं। मैं बेकसूर था, फिर भी मुझे दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया और तुम सब तमाशा देखते रहे, मुझे कोसते रहे, मेरी अम्मी को पत्थर और ताने मारते रहे। तब मेरी किसी ने नहीं सुनी, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा, तुम सबको सजा दूंगा। लाडले, तरकीब की चादर में दिक्कत की एक भी सलवट नहीं आई। किसी की भी आवाज सुन के उसकी नकल करने वाली मेरी इजाद, तू मेरे बहुत काम आई। और खेल के अगले पड़ाव में ये मेरे काम आएगी। बुलबुल चाचा, लंगूटी चाप। बुलबुल चाचा, मैं चला। बेहतरीन वजीर आला, बेहतरीन। मतलब मैं पूरी दुनिया घूमा हूं, बहुत कुछ देखा, लेकिन आप जैसा शैतान मेजबान नहीं देखा वजीर आला। सोन मीनार में है जैसा माहौल बांध दिया, क्या बात है। अली साहब, हम अपने दोस्त के लिए वक्त को बांध लें। माहौल क्या चीज है। अंगूठी छाप, दिन से रात हो गई, तुम अब आ रहे हो, मुझे लगा तुम कुछ हो गया। मेरी इतनी फिक्र। मैं भी आ गया, बुलबुल चाचा का इजाद भी आ गया, और तुम लोगों का तोहफा भी। तोहफा? चले भी। वजन ये हमारा सुन मीनार है, कोई बाग या बागीचा नहीं कि आप तफरी करने निकल पड़े। वजीर आला, मैं आपकी दावत में खलल डालने के लिए आपसे बहुत बहुत माफी चाहता हूँ, पर बात ही कुछ ऐसी है वजीर आला। आज लोगों को बगदाद के बाजार में भाई मेरे भाई अलादीन का भूत दिखा। उसने ना सिर्फ सबको धमकाया बल्कि अपने मकबरे की दीवार भी आधी तोड़ दी। पूरे शहर में दहशत का माहौल है वजीर आला। वजीर आला, आपने कहा था कि आप उस भूत का सामना करेंगे, इसलिए मैं फौरन ये खबर आपको देने यहाँ चला आया। वजीर आला, जल्दी चलिए, भाई मेरे भाई अलादीन का भूत अभी भी वहीं कहीं होगा। उल्लू? हाँ? मेरा मतलब है गुल्लू बिल्कुल ठीक कह रहा है वजीर आला। इससे पहले कि दुश्मन अपनी अगली चाल चले, हमें उस पर जाकर हमला कर देना चाहिए। कौन मीनार चलो, शहर चलो, हमला करो, बस करो। ऐसा कोई और कहता, लेकिन हम नहीं कहेंगे। तो आप चलेंगे ना?
सुनो, फिलहाल तो तुम जाके सिपाहियों का पहरा बढ़ा दो। समझ में आई तुम्हारी बात? आप कब आएंगे? आएंगे, हम आएंगे। यहाँ का काम खत्म करके फिर हम आएंगे। आदाब। वजीरे आला, आपको नहीं लगता कि आपकी आवाम को आपकी जरूरत है? अगर आप वहां जाएंगे तो बगदाद के लोगों की हिम्मत बढ़ेगी। नहीं, हमारे इस वक्त वहां होने से आवाम की हिम्मत नहीं बल्कि अलादीन के उस भूत की हिम्मत बढ़ेगी। क्या मतलब? मतलब ये है कि अली साहब, अलादीन का भूत चाहता है कि हम उसके साथ खेल खेलें। वो एक चाल चले और उसके बाद हम दूसरी चाल चलें, तो वो तीसरी, तो हम चौथी, पांचवी, छठी। वो खबीस खेल खेलना चाहता है, लेकिन अगर हम चाल ही ना चलें तो खेल ही खत्म। पर वजीरे आला, हम सोन मीनार भी तो यही सोच कर आए थे कि अलादीन का भूत हमारा पीछा करते करते यहाँ तक आएगा और हम उसे पकड़ लेंगे। पर वो आया तो नहीं ना। हम यहाँ हैं और वो वहां पहुंच गया शहर। अली साहब, हमें तो लगता है वो चूहा हमसे डर गया। डरे हुए दुश्मन को हम और नहीं डराएंगे बल्कि हमारे चिराग के जिन से खत्म कर देंगे। चिराग के जिन, चिराग के जिन, हमें इस बात का इल्म हुआ है कि अलादीन का भूत उसके मकबरे के आसपास देखा गया है। मकबरे के? हम चाहते हैं कि तुम उस अलादीन के भूत का खेल हमेशा के लिए खत्म कर दो। क्या सोच रहे हो हमारे जिगर के छल्ले? आका, मैं ये सोच रहा हूँ आज अगर उस अलादीन का भूत मेरे हाथ लग गया तो मैं उसका क्या हाल करूंगा। बदरीन, प्यार जहर है, जिन कहर है। चाचा जिनी विनी तैयार। साहब आप फिक्र ना करें, खाना खाइए आप। शुक्र है वो भूत हमारे पीछे पीछे शहर चला गया। आवाम डरती रहे, मरती रहे, हमें इससे क्या? हमें तो सिर्फ अपनी फिक्र करनी है और आगे का काम चिराग का जिन संभालेगा। जो पतला रहे वो कम खाए, जिसे मैं चाहूं वो जम जाए। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना, आज हम मिलकर बनाए कोई मिसाल। बुझ जाए वहम से सोन मीनार की सारी मशाल। अंधेरा क्यों हो गया? अंधेरा हुआ है क्यों? क्या अंधेरा हुआ है? मुझे डर लग रहा है। मुझे बताइए वजीर आला, मुझे बताइए। अरे आप हमें, मतलब अपने आप को संभालिए। आप घबराइए मत, दरअसल हवा से मशाले बुझ गए होंगे। ये आवाज है कैसी वजीर आला? देखिए अली साहब, हम यहाँ रेगिस्तान में हैं, शहर से कोसो मील दूर, जाहिर सी बात है ऐसी आवाज यहाँ आएंगी। वजीर आला, कहीं अलादीन का भूत तो नहीं आ गया? बगदाद में है वो, बगदाद में है वो, यहाँ कैसे आ जाएगा? अरे वजीर आला, वो आपकी तरह इंसान है, मेरी तरह इंसान थोड़ी ना है। वो तो भूत है, वो तो जब चाहे कहीं से कहीं कहीं भी आ सकता है ना। वजीर आला,
साला। क्या हुआ? देखिए तो खून।